हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपने ये इसके बारे में पढ़ा होगा कि यूएस अभी काफ़ी प्रॉब्लम में है। ऑलरेडी यूएस की पहली तीन जो बैंक्स है उसमें प्रॉब्लम हुआ है, और अभी ये जो नई जो बैंक्स है जैसे आप देखेंगे उस लिस्ट में ऐड हो गई है। जैसे पहले आपको पता था SVB बैंक था, सिलिकॉन वैली बैंक, उसके बाद सिल्वर गेट बैंक था, फिर उसके बाद सिग्नेचर बैंक है। तो अभी ये तीन बैंकों का नंबर लगा है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, देन वेस्टर्न अलायंस एंड देन पैसिफिक वेस्टर्न बैंक। ठीक है, तो ये बैंक जो है वो अभी प्रॉब्लम में आई है, और इसका क्या असर पड़ सकता है इंडियन इकोनॉमी पे, तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये लास्ट मैंने वीडियो बताया था कि जहाँ पर सिग्नेचर बैंक है, SVB बैंक है, सिल्वर गेट बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये जो आपको पता है इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइजेस, तो इससे कैसे फ़र्क पड़ता है? आपको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो जो बॉन्ड की प्राइसेस है, ये हो गया इंटरेस्ट रेट और ये हो गया बॉन्ड की प्राइसेस, तो इसमें इनवर्स रिलेशन है। तो अभी जैसे फेडरल रिजर्व रेट बढ़ा रहा है तो वो बॉन्ड की वैल्यू कम होती है, और वो जो बैंक का जो एसेट होता है ना उसका वैल्यू कम हो जाता है। उसके वजह से स्पेसिफिकली ये जो SVB बैंक था उसमें प्रॉब्लम हुआ है। और अभी मोस्टली जो US, देखो बैंक जो डूबता है ना, कभी भी बैंक प्रॉब्लम में आता है तो वो दो तीन उसके रीज़न होते हैं मेजर। उसमें पहला जो रीज़न है वो ये होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि उसका NPA बढ़ गया है। ठीक है, एक NPA बढ़ना हो गया। दूसरा आप कह सकते हैं कि उसका मतलब प्रॉफिट बहुत कम है, बहुत लॉसेस हो रहे हैं। और तीसरा जो है, जैसे हम कह सकते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम। तो मेजरली अभी US में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम यानी कि लोग जाते हैं बैंक में, उसको बैंक रन भी कहते हैं, कि पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि बैंकों पे भरोसा नहीं है। और उसमें कॉन्टेजियन इफेक्ट होता है, जैसे पहले सबसे पहले ये बैंक में प्रॉब्लम हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अभी जो तीन बैंक है उसमें हुआ। तो ये लोगों का विश्वास कम होता है और लोगों को ऐसे लगता है कि यार अभी इस बैंक का क्या होगा। तो ये छोटी छोटी जो बैंक्स है, अभी ये बहुत बड़ी बैंक्स नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम हुआ है। और अगर आप देखेंगे US प्रॉब्लम में है, ये स्टेटमेंट जो है US के आपने देखे होंगे फेड के चेयरमैन हैं जेरेमी पॉवेल, ये क्या कह रहे देखते हैं। इनका भी कहना है कि फेडरल रिजर्व कांट शील्ड US इकोनॉमी फ्रॉम डेट डिफॉल्ट, क्योंकि अभी क्या है ना, US में जो बजट होता है जिसमें अगर पैसा कुछ खर्च करना है तो हर टाइम कांग्रेस यानी कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अभी काफ़ी प्रॉब्लम में है, और फेडरल रिजर्व का कहना है कि अभी हम और ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, मिलियंस में लूज जॉब सेज वाइट हाउस। ठीक है, और अभी इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हिस्टोरिकली लास्ट 2008 में जब रिसेशन आया तो कैसे इंटरेस्ट रेट मूव हुए थे, हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो अभी देखो इंटरेस्ट रेट जो है 2007-08 में जैसी सिचुएशन थी, अभी सेम सिचुएशन अभी आ गई है 2022-23 में। अगर आप देखेंगे तो ये देखो, इसके बाद रिसेशन आया। आपको पता है जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते तो उसके बाद वाला ये जो पीरियड था ये काफ़ी रिस्की पीरियड था। तो अभी जो हम हैं अभी इसी फेज़ में है, मतलब ये हम यानी कि ये US इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और उसका इफेक्ट पूरा वर्ल्ड में पड़ेगा। तो ये पीरियड में है, क्योंकि अभी इसके बाद और थोड़ा सा अगर बढ़ेगा तो और थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो ये एक साइन होता है कि रिसेशन में आएगा, और US तो रिसेशन में डेफिनेटली आएगा। यूरोप में भी वही सिचुएशन है, इंडिया में ये होने के चांसेस बहुत कम है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये देखो अभी और क्या होता है, आपको ये भी एक इंडिकेटर पता होना चाहिए। अभी आज ही देखिए, जैसे आज 5 मई है तो गोल्ड काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है, तो गोल्ड कब बढ़ता है? ठीक है, गोल्ड कब बढ़ता है? जब इकोनॉमी में किसी भी इकोनॉमी में, और गोल्ड का रेट जो होता है ना वो आपको पता है लंदन में या US में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है, अनसर्टेंटी आती है, तो गोल्ड का रेट बढ़ता है, क्योंकि गोल्ड ये हम क्या कहते हैं, ये इसके लिए हेज है। हेज मतलब जैसे अगर बाकी सारी जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर अगर प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड्स है या फिर स्टॉक मार्केट है, तो फिर उसको गोल्ड एक सेफ और सिक्योर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, मतलब एक हम क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इसलिए फिर गोल्ड के रेट जो है वो काफ़ी आगे जाते हैं ऐसे टाइम पे। तो ये भी है US रिसेशन आज के इसमें का ही आर्टिकल है, तो मैंने आपके लिए। देखो इंडिया में क्या है ना, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, आप समझिए, इंडिया इज़ डेवलपिंग इकोनॉमी, 143 करोड़ पॉपुलेशन है। और ये इस एंगल से, इकोनॉमी के एंगल से अगर आप देखेंगे, डिमांड सप्लाई के एंगल से, तो ये एक अच्छा सिग्नल है।
बिकॉज ये यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन को अलग अलग चीज़ें चाहिए, वो डिमांड करेंगी, ठीक है। डिफरेंट, जैसे सबको खाना लगता है, सबको पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स लगती है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बाकी टेलीकॉम लगता है सबको, ट्रैवलिंग के लिए लगता है, तो इसका मतलब है इंडिया में डिमांड रहेगा। यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हुआ है, वहाँ पर ऑलरेडी ये सैचुरेशन हो गया, इसलिए हम उसको डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं। अभी इंडिया में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर आप इंडिया में रिजर्व बैंक, जैसे मैंने ये जो वीडियो है इसके थंबनेल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो लगाया, क्योंकि 2008 में भी आपने देखा होगा आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फेडरल रिजर्व या बैंक ऑफ इंग्लैंड से काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। उसी के वजह से 2008 में, उस टाइम मुझे याद है मैं एमबीए कर रहा था उस टाइम पे, और वाई वी रेड्डी उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर थे, और उस टाइम यूएस के जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे थे कि अगर वाई वी रेड्डी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन अगर रहते तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता। तो अभी भी ऐसा है कि आपको पता है आरबीआई जो है एक सेट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस उन्होंने ऐसे सेट किए हैं कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से रेगुलेशन सेट करते हैं, रेगुलेशन है, सुपरविजन है। तो आप देखिए बीच में हमारे एक दो बैंकों में प्रॉब्लम आया था, अगर आप देखेंगे बड़े लेवल पे यस बैंक में प्रॉब्लम आया था, आईडीबीआई बैंक में प्रॉब्लम आया था, तो अभी ये सारे स्टेबल लेवल पे है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है जैसे यूएस में अभी हो रहा है, काफ़ी हाई लेवल पे हो रहा है। अगर आप देखेंगे यूरोप में भी कुछ बैंक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वैसे इंडिया में होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। यूएस रीजनल बैंकिंग वो वर्सन दिया है, ये जो हमने देखा ना, वो जो बैंक है पैसिफिक वेस्टर्न, जो बैंक है पैसिफिक वेस्टर्न, उसको पैक वेस्ट कहते हैं, उसके बाद वेस्टर्न अलायंस है, तो इसके बारे में दिया, तो ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उनके शेयर्स में देखिए, जैसे ये पैक वेस्ट बैंक है 70% पिछले 5 दिन में ये गिरा है। उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, ये तो लिटरली मतलब डूबी गया है, क्योंकि 95% इसका स्टॉक प्राइस सिर्फ लास्ट के 5 दिन में, ये देखो यहाँ से अभी फ्लैट होने लगा है। और ये वेस्टर्न अलायंस है, ये भी 52% गिर गया है पिछले 5 दिन में, ठीक है। स्टॉक प्राइस गिर गया, इसका मतलब है अभी जो उसके इन्वेस्टर है उनको भी उस पर भरोसा नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टर पर भरोसा नहीं है, और उसके डिपॉजिटर है वो भी जाके पैसे लेने लगे। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो लिमिट है वो है 250K, 2,50,000 USD का लिमिट है, और इंडिया में देखेंगे तो ये इंडिया में लिमिट है 5 लाख, ठीक है। अगर 5 लाख आपका किसी भी बैंक में है तो DICGC की तरफ से उसका इंश्योरेंस है, तो वो आपको उसका पैसा जो है मिल जाए। तो पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो आरबीआई का जो नाम है बहुत रिस्पेक्टफुली लिया जाता है, क्योंकि हमारे जो रूल्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमारा जो बोर्ड है, अगर आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रन करते हैं लोग, आरबीआई के गवर्नर्स है, डिप्टी गवर्नर्स है, इंडस्ट्री से लोग आते हैं, इकोनॉमिस्ट आते हैं, तो वो काफ़ी लर्नेड लोग हैं, इंडस्ट्री का उनको काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इंडिया में अभी नियर टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। अगर आप आज की सिचुएशन अगर देखेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट की अगर आप सिचुएशन देखेंगे, तो अभी जैसे 5 तारीख को, जैसे आज मैंने जस्ट जिस टाइम पे वीडियो मैं बना रहा था उस टाइम जस्ट मार्केट क्लोज होने को आया है, तो आज नियर अबाउट 700 के आसपास 680-690 से मार्केट डाउन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है कि फेडरल रिजर्व ने रेट अगर बढ़ाए हैं, तो फिर रेट बढ़ाने से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो FII का इन्वेस्टमेंट है वो उधर चला जाता है, और ये भी लगता है कि आगे कोई अगर अनसर्टनिटी आ रही है वर्ल्ड लेवल पर। अभी आपको पता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी जो इकोनॉमीज है वो इंटरकनेक्टेड है, तो थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी आज के डेट में देखेंगे तो चाइना में भी प्रॉब्लम्स है। तो सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट अगर कोई इकोनॉमी होगा आज के डेट में जो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो वो इंडियन इकोनॉमी है। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि हम यूरोप में जाएंगे, यूएस में जाएंगे, तो अभी इंडिया ही फ्यूचर है। आपको पता है काफ़ी सारे इकोनॉमीज में भी कहा है, और जो नंबर्स है वो बोल रहे हैं कि यार इकोनॉमी अभी इंडिया की बहुत अच्छी चल रही है, और आगे जाके वो और भी बढ़ेगी। तो अगर आपको आरबीआई में जाना है, तो आरबीआई का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसका प्लान यहाँ पर दिया है। उसके बाद IRDA भी है, काफ़ी सालों के बाद 2017 के बाद रिक्रूटमेंट आया, इसका भी प्लान है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। और ये जो अभी वीडियो है, ये जो PPT है, इसको मैं कन्वर्ट करके PDF में उसका डाउनलोड के लिए लिंक डाल देता हूँ, यानी कि आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।